व्हाट्सअप गाइस, क्या आप भी भाई अपने नॉर्मल से वीडियो में कुछ इस प्रकार से कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट को लगाना चाहते हैं तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो भाई हमें अपने वीडियो में कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट को लगाने के लिए हमें पहले वीपीएन से कनेक्ट होना होगा। तो भाई मैं यहाँ पे सुपर वीपीएन से कनेक्टेड हूँ, आप भी वीपीएन से कनेक्टेड हो जाएगा। और भाई वीपीएन से कनेक्टेड होने बाद आपको वैग आके अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। भाई हमारा जो कैपकट एप्लीकेशन है ये प्रो वर्जन है। अगर भाई आपके पास ये प्रो वर्जन नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक मैं डालूंगा, आप प्लीज जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहां पे दे दूंगा ये कैपकट एप्लीकेशन प्रो। और भाई जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहां पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो भाई आपको इसे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। और भाई जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो वीडियो रहेगा सारा ओपन हो जाएगा। तो भाई आपको जिस वीडियो में कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट को लगाना है आपको उसी वीडियो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे भाई आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो वीडियो है कैपकट एप्लीकेशन में कुछ तरह से ओपन हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखते हैं हमारा नॉर्मल से वीडियो, इसी में हम कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट को लगाने वाले हैं। तो भाई कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट को लगाने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट में आ जाना होगा। और भाई स्टार्ट में आने बाद आपको अपने वीडियो पे ऐसे क्लिक करना होगा। और जैसे भी आप अपने वीडियो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से नीचे में बहुत सारा ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो भाई आप हल्का सा ऐसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक कैमरा ट्रैकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। तो भाई आप इसे कैमरा ट्रैकिंग पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे भाई आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो भाई आपको यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना होगा ऑल मोमेंट पे। तो भाई आप इसे ऑल मोमेंट पे क्लिक कीजिएगा। और भाई इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो भाई आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना होगा, मतलब फर्स्ट वाले इफेक्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ तरह से प्रोसेसिंग होगा। और जैसे भाई यहाँ पे 100% प्रोसेसिंग हो जाएगा आपके वीडियो में कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट जो बहुत ही सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगा, आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा देर वेट करते भाई, आपको भी थोड़ा देर वेट करना होगा क्योंकि भाई हमारा जो वीडियो काफी बड़ा है जिसके वजह से यहाँ पे हमारे वीडियो में थोड़ा सा कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट लगाने में टाइम लग रहा है। अगर आपका वीडियो भाई छोटा रहेगा तो यहाँ पे आपकी वीडियो में बहुत ही तेजी से कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई हम थोड़ा देर वेट करते हैं जब तक कि हमारा 100% नहीं हो जा रहा है। तो फाइनली भाई देख सकते हैं थोड़ा देर वेट करने के बाद हमारे जो वीडियो में यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से अप्लाई हो गए। यहाँ पे देख सकते भाई मैं वीडियो को आपको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते हमारे वीडियो में कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट जो बहुत ही सिंपल तरीके से अप्लाई हो गया। और भाई अप्लाई होने के बाद आप इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो भाई एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ऐसे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, मतलब बीच में ऐसे क्लिक करना होगा। और जैसे भाई आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ जाएगा। तो भाई आपको अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट करना होगा कि कितना आपको रोटेट करना है और कितना स्मूथ रखना है। तो यहाँ पे हम कुछ तरह से अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेते हैं, आप भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और एडजस्ट करने बाद आपको यहाँ पे ऐसे करके मतलब बैक आ जाना होगा। तो यहाँ पे भाई बैक आ जाते हैं अच्छे से एडजस्ट करके। और एडजस्ट करके बैक आने बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना होगा। और क्लिक करने बाद भाई यहाँ पे जो कैपकट ऐप का वाटरमार्क दिखता है भाई आपको इसे डिलीट कर देना होगा क्योंकि भाई इसी वीडियो के अंदर अब इसका कोई काम नहीं। और भाई हमारे जो वीडियो में यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखते भाई जैसा लग रहा है कि भाई जो कैमरा मैन है वो मतलब मोबाइल को रोटेट कर रहा है, लेकिन भाई ये कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट का कमाल है। अगर भाई आपको ये इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो सिंपली आपको फिर स्टार्ट में आ जाना होगा। और भाई स्टार्ट में आने के बाद आपको फिर से वीडियो पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको फिर से कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। और भाई इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग पे फिर आ जाना होगा दूसरे वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे आएंगे तो भाई आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन खुल के आ जाएगा, फेस का, बॉडी का, हैंड का। तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई आप इसे तभी सिलेक्ट करेंगे मतलब करिएगा जब आपका जो वीडियो है यहाँ पे थोड़ा सा दूर से शूट हुआ हो, मतलब जब आप इसे थोड़ा दूर से शूट करेंगे तो आपको जो वीडियो है वो प्रॉपर यहाँ पे एडिट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमारा जो वीडियो है यहाँ पे दूर से मतलब शूट नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारा जो वीडियो है यहाँ पे थोड़ा सा जूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते पूरा भी हमारा चेहरा पूरा शरीर दिख रहा ना भाई, जब उसे हम इस कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो शरीर है यहाँ पे थोड़ा सा जूम हो जाएगा, इससे हमारा वीडियो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा जब वीडियो को थोड़ा सा मतलब दूर से शूट करेंगे तो आपका जो कैमरा ट्रैकिंग इफेक्ट है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको पहले आल वाले पे कर लेना होगा। और आल वाले पे करने के बाद यहाँ पे आपका जो वीडियो यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से एडिट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और भाई एडिट होने के बाद आपको यहाँ पे अपने गैलरी में सेव करना होगा। तो भाई गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर एरो पे क्लिक करना होगा तीर वाले पे। और भाई जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो बहुत ही तेजी से सेव होगा। और सेव होने के बाद भाई आप उसे इंस्टाग्राम पे डाल के अच्छा खासा व्यूज ला सकते हैं क्योंकि भाई इस तरह के जो वीडियो है कैमरा ट्रैकिंग वाला वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और स्मूथ भी लगता है और काफी ज्यादा वायरल चलता है इस तरह की जो वीडियो है। अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।